चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मेजर लैंडफॉर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि लैंडफॉर्म्स किनको बोलते हैं, क्या है लैंडफॉर्म्स। ठीक, क्या हमारी अर्थ की जो सरफेस है उस पर जो मौजूद चीजें हैं वही लैंडफॉर्म्स कहलाएंगी, जैसे माउंटेन्स वगैरह, या और भी कुछ लैंडफॉर्म्स में आएगा। क्या हमारे ओशंस में जो ट्रेंचेस हैं, जो गहरी खाइयां हैं, क्या वो आती हैं इसमें कि नहीं आती हैं। हमारे ओशन में जो माउंटेन्स बने हुए हैं क्या वो आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ेगा कि लैंडफॉर्म्स और मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ में क्या क्या चीजें आती हैं, एक तो ये। दूसरा, ये जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं इनका रीजन क्या है, कैसे बनते हैं, क्या और बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन लैंडफॉर्म्स के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक, ये दो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। हमने लास्ट क्लास में ये कहा था कि हमारी जो अर्थ है इज नॉट सेम एवरीवेयर, ये हम पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि हमारी अर्थ जो है इस पे हम देखे थे, मान ली अर्थ की सरफेस है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे आपका प्लेटू है। ठीक, माउंटेन का एक जो है शिखर टाइप का रहेगा शीज, और ये फ्लैट रहेगा, तो इसी को टेबल लैंड बोलते हैं। तो कहीं प्लेटू है, कहीं माउंटेन है, तो एक जैसी पूरी हमारी सरफेस ऑफ द अर्थ सेम नहीं है। ठीक, और इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स है। लिखा है कि जो हमारी लिथोस्फीयर है कहीं पे वो ऊंची नीची और कहीं पे फ्लैट है, फ्लैट को हम बोलते हैं प्लेन। ठीक, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो लैंडफॉर्म्स हैं वो है क्या और इनके फॉर्मेशन पीछे कारण क्या है, एक तो ये हमारे टॉपिक का आज का डिस्कशन का विषय रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में हम देख रहे हैं कि लैंडफॉर्म्स में क्या क्या चीजें आ रही है। एक माउंटेन्स, दूसरा प्लेटू। आप देखेंगे कि माउंटेन की तुलना प्लेटू थोड़ा फ्लैट है ना। इसके अलावा आपके प्लेन्स, माउंटेन रेंजेस, हिल। मैंने आपको बताया इस्थमस जो होता है, मैंने सबका समझाया था कि एक बड़े लैंडमार्क और छोटे लैंडमार्क के बीच में कनेक्टेड करने वाली एक जो भूमि है, लैंड है, उसको हम बोलते हैं इस्थमस। यहाँ पे ये इस्थमस का एग्जाम्पल हो। पेनिनसुला जो तीन तब से पानी से घिरा हुआ है। माउंट ऑफ रिवर जहाँ पे नदी आके ये नदी आ रही है, ये एक नदी आ रही है, ये मेन नदी है, इसके ट्रिब्यूटरी है, ये अपना पानी इसमें रिलीज कर रही है, और फिर दो जाकर समुद्र में गिर रही है। जहाँ ये गिर रही है वहाँ पे सी लेवल क्या होता जा रहा है, घटते जाएगा, सी लेवल जाएंगे और ये क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगी डेल्टा। और ऐसे आके वो बोलते हैं माउंट ऑफ द रिवर। जब किसी रिवर में से, मेन रिवर में से पानी लेके दूसरी रिवर निकल जाए तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। जब पानी लेकर उसमें मिल जाए तो होती है ट्रिब्यूटरी। तो दो तरह की चीजें होती हैं रिवर के साथ, डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी। इसी प्रकार से स्टेट, स्टेट जो है वो किसी भी जो दो लैंडमार्क है उनके बीच में से एक नैरो वाटर जो बॉडी है, चैनल है, उसको बोलते हैं स्टेट, जिसे पार्क स्टेट। ठीक, तो इसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है लगभग, जो आप समझिए माउंटेन्स, जब माउंटेन्स एक रेंज एक श्रृंखला चेन में होंगी तो माउंटेन रेंज कहलाएंगी। ठीक, बेसिन नदियों द्वारा जो इलाका जहां पानी उसका फैलता है बेसिन हो गया, तो ये है माउंटेन तुलना में छोटी हाइट। ये सारे आपके हो गए लैंडफॉर्म्स, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि लेक जो पानी इकट्ठा कर रही है गड्ढे के अंदर, ये भी एक तरह का लैंडफॉर्म है कि नहीं है, ये भी एक तरह का लैंडफॉर्म है अर्थ के अंदर। मैंने कभी समझा पर कहीं पे फ्लैट है, कहीं पे ऊंचाई है, कहीं पे आपका रफ बना हुआ है, किस पे, हमारे अर्थ के सरफेस पे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हिल, द हिल इज अ लैंड सरफेस दैट राइजेस देन द साउंडिंग एरियाज। ठीक, क्लियर, अपने आसपास के इलाके से ऊंचा उठा इलाका है जो है वो हिल कहलाए। ठीक, हाँ, तो
इस टाइप से एक इलाका है, वो हिल गया है। लेकिन जब ये जनरली स्टीप है, मतलब उसका जो ढाल है वो तेज हो, एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर्स, तो ये जो ऊंचाई है 6000 मीटर से 600 मीटर ऊपर है, तो फिर इसको हो जाएगा माउंटेन। बात समझ आ गई? तो हिल की डेफिनेशन होगी लैंड सरफेस राइजेस देन द साउंडिंग एरियाज। अब साउंडिंग एरिया में कुछ होता है, प्लेन होता है, प्लेटू होता है, हिमालय साउंडिंग एरिया प्लेटू प्लेटू होता है, प्लेन होता है, लेकिन साउंडिंग एरिया से यदि एग्जाम में आए कि अ हिल इज अ लैंड सरफेस दैट राइजेस हायर देन द साउंडिंग प्लेन, ठीक, तो अपन को करना है कि यहां पर साउंडिंग एरिया जो ये प्लेन है, होता है कि वो बगल में उसके प्लेटू ही उसका है। यहाँ पे प्लेन शब्द इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे एयर इस्तेमाल किया गया, इसको ऑब्जर्व करना, ये थोड़ा सा कीवर्ड है जो हमको ऑब्जर्व करना है, ठीक। और जब यही जो हिल है स्टीप हिल, मतलब जहां पे ढलुआ ढलान ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, ठीक, और 600 मीटर से अधिक इसकी हाइट है, तो उसको बोलेंगे माउंटेन। बात समझ में आ गई? तो ये जो डायग्राम बनाया नीचे अपन ने, यहाँ पे माउंटेन दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे माउंटेन दिख रहा है हमको, और यहाँ पे हमको हिल भी दिख रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलिए अब डिस्कशन का दूसरा सब्जेक्ट है कि ये बनते कैसे हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मेनली इन लैंडफॉर्म्स के फॉर्मेशन में दो प्रोसेस काम करते हैं, एक इंटरनल प्रोसेस और एक एक्सटर्नल प्रोसेस। अब इंटरनल प्रोसेस क्या है, तो मैंने समझाया था कि हमारे जो अर्थ है इस पर बहुत सारी प्लेट्स हैं, ठीक, हमारी अर्थ जो है प्लेट से मिलकर बनी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम पढ़ेंगे आगे एडवांस क्लासेस में। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मतलब ये होता है कि हमारी अर्थ पर बहुत सारी प्लेट्स हैं, और ये जो प्लेट्स हैं इनके बीच में डिफरेंट डिफरेंट इंटरेक्शन हो रहे हैं। कुछ ऐसा समझ लो कि एक प्लेट में पानी भरा हुआ है, उस पर थर्माकोल के पीसेस हैं, और वो जो थर्माकोल के पीसेस हैं या तो वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, या फिर वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या फिर वो एक दूसरे के करीब से निकल जा रहे हैं। तीन तरह का ये प्लेट इंटरेक्शन होता है, एक में कोलिजन है आपस में, एक दूसरे डाइवर्जेंट है, एक पैनल है। इस तरह से जो प्लेट्स हमारी अर्थ पे हैं बहुत सारी, इन प्लेट्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, और इन इंटरेक्शन का आउटकम होगा लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड इंटरनल प्रोसेस। बात समझ आ गई? ठीक, इंटरनल प्रोसेस। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड टू अपलिफ्टमेंट एंड श्रिंकिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस एट सेवन प्लेसेस। तो जब दो प्लेट एक दूसरे से मिलेंगी, ऑब्वियसली इनके बीच में जो भी कुछ रेसिडुअल होगा वो अपलिफ्ट होगा, और उसके अपलिफ्ट होने से माउंटेन पॉइंट फॉर्मेशन होगा। जब दो प्लेट एक दूसरे से मूव जाएंगी, तो इनके बीच में एक हिस्सा नीचे की तरफ धसेगा, और धसने से भी कुछ फॉर्मेशन होगा, ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से हमारे अर्थ पे जो डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनमें एक फैक्टर होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल प्रोसेस, ठीक। और इंटरनल प्रोसेस के कारण क्या है, हमारे अर्थ जो है कंटिन्यूस मूवमेंट करती है, और कैसे मूवमेंट करती है, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स इसमें मूव करती है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। आगे दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसेस। हमारे अर्थ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लगातार अर्थ के लैंडफॉर्म्स को प्रभावित करते हैं, जैसे जो इरोड करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, ऐसे फैक्टर्स, फॉर सच बहता हुआ पानी, तेज हवा, ठीक, इस तरह के कुछ प्रोसेस काम करते हैं हमारे अर्थ के ऊपर। रनिंग वाटर, आइस, विंड्स, ये इरोजन में रहते हैं और वेदिंग में रहते हैं। इरोजन मतलब कोई चीज जो है वो उसको लगातार उस पर इरोजन के फैक्टर्स काम करेंगे, होता है ये माउंटेन है, कुछ समय बाद ये थोड़ी सी छोटी हो जाए इरोड होके, और कुछ समय बाद ये होता है फ्लैट हो जाए। तो इरोजन के फैक्टर्स ने इसके जो शेप था उसको चेंज कर दिया लैंडफॉर्म्स को, वो लैंडफॉर्म जो पहले माउंटेन थी वो हिल बन गई, और हो सकता है कुछ समय बाद वो प्लेटों के अंदर चेंज हो जाए, ये कुछ और बन जाए, प्लेन बन जाए, इरोजन के फैक्टर्स काम किया।
ठीक। इसी प्रकार से ये जो इरोड हुआ ये कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होगा। तो एक तरफ तो कोई चीज इरोड हो रही है, दूसरी तरफ कोई चीज बन रही है, ठीक। जहां पे वो डिपॉजिट होगा तो डिपोजिशन से कुछ बनेगा, उसको हम बोलेंगे डिपोजिशनल। मान लो कि यहां से कुछ इरोड हुई होगा, यहां जाके बिछ गई तो एक नया फॉर्मेशन हुआ, इसको हम बोलेंगे प्लेन। और ये प्लेन जिस फैक्टर से बना उस फैक्टर के नाम को उसका नाम होगा। मान लो ये प्लेन बना रिवर्स के द्वारा, रिवर्स ने हिमालय से लाई गई मिट्टी को डिपॉजिट किया और डिपोजिशन से प्लेन का फॉर्मेशन हुआ, तो हम बोलेंगे ये कैसा प्लेन है, ये रिवराइन प्लेन है, रिवर ने इसको लाया, रिवर ने इसका प्रैक्टिस किया, ठीक। इसी प्रकार से भी बालू को उठा के कहीं डिपॉजिट किया गया तो वो एक रखते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स होते हैं और ये प्लेन्स से डिफरेंट डिफरेंट आपके लैंडफॉर्म्स बनते हैं, और इन लैंडफॉर्म्स को बनाने के लिए वेयरिंग डाउन और रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सर्फेस प्रैक्टिस आप करते हैं, ठीक। जब इरोड होगा और डिपोजिशन होगा। अब इसे देखिए, ऐसी कोई लैंडफॉर्म्स नहीं है जिसपे इरोड और डिपोजिशन फैक्टर्स काम नहीं करते हैं, एक साथ दोनों काम करते हैं। लेकिन जब कोई माउंटेन न्यूली बिल्ट होता है, नया बनता है, उसमें दोनों तरफ से प्लेट्स आपस में मीट करती हैं, तो उसमें अपलिफ्टिंग का रेट ज्यादा होता है, रेट इरोजन कम होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं न्यू फोल्ड माउंटेन्स। बट जब उसमें अपलिफ्टमेंट का प्रोसेस धीमा हो जाए और रेट ऑफ इरोजन ज्यादा हो जाए धीमे धीमे, हम उसको बोलते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन, और बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन्स। बस में ठीक, बस में कोई भी ऐसा माउंटेन नहीं है जिसमें दोनों फैक्टर्स एक साथ काम नहीं करते, एक साथ काम करते हैं, उसका अपलिफ्टमेंट भी काम करता है, उसमें रोड भी काम करता है। बट जब तक उसका अपलिफ्टमेंट उसके रोड के रेट से ज्यादा होता है तब तक वो न्यू फोल्ड और न्यू माउंटेन कहलाता है। लेकिन जब वो उसमें उल्टा हो जाएगा तो फिर वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन बाकी धीमे धीमे रेसिडुअल माउंटेन और आगे से आकर फ्लैट और प्लेन आदि फॉर्मेशन बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से हमें समझ में आ गया कि हमारे दूसरे फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल, वो हमारे अर्थ के ऊपर चलने फैक्टर्स हैं, उनका इंटरनल से कोई मतलब नहीं है। इंटरनल भी काम करता है, एक्सटर्नल काम करता है, सेम टाइम ये दोनों प्रोसेस काम करते हैं, और इनके काम करने से लैंडफॉर्म्स के जो शेप हैं, जो टाइप हैं, वो बदलते रहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि डिपोजिशन दीज टू प्रोसेस आर कैरीड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। मतलब यही फैक्टर्स जो है यही इरोड भी करेंगे और यही वेदिंग भी करेंगे। जैसे मैं समझाया थोड़े पहले कि कोई नदी आ रही है किसी पर्वत से उतर के नीचे आ रही है, जब ये नदी किसी पर्वत नीचे उतर के आएगी तो ये क्या करेगी, एक सेकंड, ये नदी क्या करेगी कि यहां पे लाके जो जो उसके डिपॉजिट थे उनको छोड़ देगी नीचे, फिर आगे बढ़ जाएगी, ठीक। जैसे गंगा, गंगा हिमालय से निकल के आएगी और फिर नीचे आके यूपी बिहार के अंदर गंगा जो है गंगा प्लेन का फॉर्मेशन करेगी और आगे आके फाइनली वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाएगी, ठीक है। तो सेम फैक्टर ने इरोड किया ऊपर के इलाके में और नीचे के इलाके में क्या किया, डिपोजिशन किया, ठीक है, समझ आया। दीज टू प्रोसेस आर कैरीड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड्स। तो आमतौर पर लोगों को जो याद आता है वो रनिंग वाटर याद आता है, आइस थोड़ा सा लोग कहते हैं कि ये कैसे, लेकिन ये भी इरोड करती है, ठीक। आइस भी जिस सतह जब होती है वहां पर नीचे इरोजन करती है, ठीक, क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं पहले वाले पे। पहला वाला है आपका माउंटेन। इस तरह से हमारे जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन एंड स्लोप, माउंटेन्स, प्लेटू एंड प्लेन्स बनते हैं। वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन स्लोप। वेरी गुड, सही बात है। एलिवेशन स्लोप के आधार पर क्या कहेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे कि ये माउंटेन है, ये प्लेटू है, ये प्लेन है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये हमने हमने देखा ये माउंटेन हो गया, ठीक, इसके बगल में प्लेटू, तो प्लेटू इस टाइप का कुछ प्लेटू फॉर्मेशन, और इसके बगल में प्लेन, ठीक। इसी प्लेटू को कई जगह आप देखेंगे एटलस में तो टेबल लैंड बोलते हैं, फ्लैट होने का टेबल लैंड बोलते हैं, बट ये आसपास के सराउंडिंग एरिया से ऊंचा है, बट ये फ्लैट है, ठीक, क्लियर हो गया।
तो हमने क्या फैक्टर्स लिए, हमने लिए एलिवेशन, हमने लिया स्लोप। स्लोप का किसमें ज्यादा है, माउंटेन में ज्यादा है, प्लेटू में स्लोप कम, प्लेन में धीमे धीमे कम। तो ये चीज एलिवेशन भी, तो एलिवेशन को देखेंगे, स्लोप को देखेंगे, इनके आधार पर हम क्लासिफाई करेंगे। अब सीधा एग्जाम आया कि वी के हाउ हम जो क्लासिफाई करते हैं अपने लैंडफॉर्म्स को, उसके फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, तो आपका लगना है एलिवेशन एंड स्लोप, ठीक। और ये एलिवेशन स्लोप किससे बाइंड हो रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं टू प्रोसेस ऑफ लैंडफॉर्म्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक। अ माउंटेन मे हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस, बिल्कुल सही बात है, मैंने भी समझाया थोड़ी पहले कि माउंटेन के बारे में कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो ये हो गया ब्रॉड बेस और समिट स्मॉल समिट, ठीक। इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरियाज, आसपास के इलाकों से ये ऊंचा होगा, कोई पहाड़ जो होगा, ठीक। एक मिनट था कमल को लाना, ये शायद बैटरी रिक्शा हो रही है। चलिए हो गया, काम हो गया। चार्जर लेके आना, बड़ी समस्या है टेक्नोलॉजी में, ठीक। सीधे सीधे काम चलता है, बोर्ड ऑफ पेन लेके वो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। फायदे भी हैं, आप ज्यादा बेहतर समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, विजुलाइज कर पा रहे हैं। तो पहला हम लेते हैं लैंडफॉर्म्स माउंटेन्स, तो सबसे पहले तो ये है कि कुछ कुछ कीवर्ड्स देते लिए ताकि एग्जाम में दिया है तो कंफ्यूज ना करें, हालांकि बहुत बेसिक चीजें हैं। सॉरी, एक तो नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक, स्मॉल समिट ये भी इसका फीचर है, और ब्रॉड बेस। फिर वहां पर नोट करना है साउंडिंग एरियाज, यहां पे कहीं नहीं कहा गया कि साउंडिंग एरिया क्या होता है, ठीक। प्लेन उठता है, टैटू उठता है आसपास का, उससे ऊंचा हो। सम माउंटेन्स आर हायर देन द क्लाउड्स, आर इवन हायर देन क्लाउड्स, ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में आता है तो थोड़ा आदमी कंफ्यूज करता है कि ऐसे कैसे। बट जब हम ज्योग्राफी में आगे पढ़ेंगे एडवांस क्लास में, तो हम देखेंगे कि हाँ, जो क्लाउड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर होते हैं। कुछ क्लाउड जो होते हैं वो लोअर हाइट्स पे होते हैं, कुछ मिडिल हाइट पे होते हैं, और कुछ अपर हाइट्स आते हैं क्लाउड फॉर्मेशन। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको सेंटेंस को समझना है, ठीक। इसको ये समझना है कि हायर क्लाउड्स या लोअर क्लाउड्स, डिफरेंट डिफरेंट हाइट क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। जब पढ़ेंगे आगे एटमोसफेयर तो बताऊंगा कि क्लाउड जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, कई टाइप के होते हैं। तो सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स, आपको समझ में आता है कि जो लोअर लेवल या मिडिल लेवल तक जो है जा रहे हैं एक हाइट तक, वो उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इन सम माउंटेन्स दे आर परमानेंट फ्रोजन लेवल ऑफ आइस,
दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, जैसे अपना सियाचिन ग्लेशियर, ठीक, जो इतने हाइट पे है जहां पे आइस जमी रहती है, और जहां पे आइस जमी रहती है परमानेंट फ्रोजन, वहीं पे हम देखते हैं एवलांच, बर्फ खिसकने की घटना होती है। अभी रिसेंटली बर्फ खिसकने की घटना हुई थी, ठीक, उत्तरकाशी वगैरह में घटनाएं हुई थी, तो ये न्यूज़पेपर में आया भी था, पता होगा आपको, तो ये एवलांच टाइप आएगा। दे आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी, बिल्कुल सही बात है, कुछ ऐसे हैं समुद्र के अंदर बने हुए। जब हम पढ़ेंगे ओशनोग्राफी तो बताऊंगा कि ओशनोग्राफी में कई ऐसी माउंटेन्स हैं जो समुद्र के अंदर बनी हुई है, ठीक, और इतनी लंबी रेंजेस हैं जितनी अर्थ पे भी नहीं है कोई, हमारे लैंड जमीन पे नहीं, मतलब अर्थ पे तो है बट अंडर द सी है, जमीन पे नहीं, ठीक। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट, क्योंकि इनके यहाँ पे मनुष्य जीवन की दशा नहीं है, लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। हम देखते हैं कि गुज्जर बकरवाला इस तरह की जो टाइप्स होती हैं जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे वो लोग इसमें रहते हैं। ये यूपीएससी पूछता भी है कौन कौन से हाइट्स हैं, है ना, तिब्बत में भी, तिब्बत कौन कौन टाइप्स हैं, तिब्बत में कुछ टाइप्स हैं जो हाइट पे रहती है, ठीक। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग, बिल्कुल सी बात है भाई, स्टीप है तो कहाँ खेती बाड़ी करोगे, ठीक, क्लियर। तो ये कुछ इनके ड्रॉबैक्स हैं यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है कि ड्रॉबैक्स ही, इनके अपने कुछ एडवांटेजेस भी हैं, क्या है वो भी हम देखते हैं। लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि अपन बढ़े पहले, इससे पहले फोल्ड माउंटेन के बारे में कुछ उन्होंने यहाँ दिया हुआ है उसको थोड़ा ऑब्जर्व करें। फोल्ड माउंटेन क्या है? बेसिकली फोल्ड माउंटेन मैंने कहा था कि हमारे अर्थ पे इस टाइप से प्लेट्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, जब एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं तो उनके बीच में जो रेसिडुअल है वो अपलिफ्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक, और ये जो अपलिफ्ट हुआ ये बना फोल्ड माउंटेन इस टाइप से, दोनों तरफ से पिशन लगा, उस कारण से ये अपलिफ्टमेंट हुआ, ठीक है, है ना। जैसे हिमालय, हमारा जो हिमालय है ये बेसिकली दो प्लेटों के आपस में कोलाइड करने से, लैंड आपस में भिड़ने से, उनके टक्कर होने से उसका अपलिफ्टमेंट हुआ है, फोल्ड माउंटेन, ठीक। इसी प्रकार से एल्प्स ये फोल्ड माउंटेन है ना, दुनिया में कई सारे फोल्ड माउंटेन अभी हम देखेंगे आगे डायग्राम में, आगे बढ़ते हैं। जब माउंटेन किसी रेंज किसी अरेंज इन लाइन तो उनको बोलते हैं रेंज, माउंटेन रेंजेस, ठीक। यदि आप इंडियन जगह पढ़ोगे जब तब देखोगे वहां पे हिमालय रेंजेस की बात की जाती है, ठीक, हिमालय काको लद्दाख जासकर पंजाब शिवालिक, इस तरह से हिमालय के अंदर आपको रेंजेस दिखाई देंगी जो नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फैली हुई है। हिमालय के अंदर कुछ इस टाइप से रहेगा, रहेगा मैं इस टाइप से कहानी रहेगी कुछ हिमालय के अंदर, काकुलम लद्दाख जास्कर पी पंजाब धौलाद ऐसे करके पूरा रेंज समझ लो, ठीक है। द हिमालयस एल्स एंड द एंडीज आर माउंटेन रेंजेस ऑफ द एशिया यूरोप एंड साउथ अमेरिका रेस्पेक्टिवली। चलिए एटलस ने क्या है, एटलस लाए तो एटलस को लीजिए, द हिमालयस द एल्स एंड द एंडीज आर माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया यूरोप एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। चलिए हाँ उसका आ जाओ जल्दी आओ, है आइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं और भी पूछूंगा, इसलिए एक काम करो, चलो आप आ जाओ फिर, मैं आपको दी
देखते हो ना क्या क्या याद है आप लोगों को, इसी बार इंटरेस्टिंग हो जाएगी। चलिए तीनों को आप मार्क कर लीजिए इस पर। सबसे पहले आप बताइए मुझे द इंडीज। हाँ ठीक है बस इतना ही, थोड़ा जाओ इधर। अब बताओ पूरा कहाँ से लेना है इंडीज को? यहाँ से आएगा इंडीज, ठीक है इंडीज। दूसरा कौन था? एल्स पर्वत कहाँ है? हाँ वापस से कर दो उसको। हाँ ठीक, एल्स यहाँ पे क्या? एल्स यहाँ पे क्या? क्यों और ऊपर है तो सर? लो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि वो आपका काम बन जाए। देखो अब बता दो मुझे, पहले देखो इटली कहाँ है? नहीं, हाँ गुड, कुछ पहुंचा था सर यहाँ पे। हाँ ठीक है, ये मतलब ये नहीं है ना? ठीक है, और क्या है? हिमालय, हिमालय भी बता दो, उसमें थोड़ा साइड में जाओ। हाँ ये पेन ले लेते, पेन सेट करो। हाँ अब नेपाल पूरा रास्ता देखो। हाँ नहीं ये इंडिया है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो हाँ इंडिया है। हाँ फिर इंडिया इधर नेपाल। हाँ बस बस नेपाल के यहाँ पे है नेपाल। हाँ नेपाल, नेपाल यहाँ पे। ठीक है चलो ठीक है पहुँचो, है ना? कल पढ़ाया था मैंने आपको कुछ ओशन क्रेंट्स बताए थे, मैंने बताए थे कुछ ओशन क्रेंट्स, आपको बताएगा चेक किसी माने होगी, मैं आपकी फिर कैसे होगी है ना? कौन बताया कल कुछ ओशन क्रेंट्स बताई थी मैंने? ओशन क्रेंट्स हाँ बता दो भाई। ये सरफेस पे बेंच चलती है उसके कारण करंट फॉर्मेशन होते हैं, यहाँ पे जनरली ऐसे वॉर्म करंट फॉर्म होते हैं। हाँ ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कोल्ड करंट फॉर्म होते हैं। ठीक है, ऊपर से भी आता है कोल्ड करंट। हाँ यहाँ पे आके मिलते हैं जिसको, यहाँ पे ये कोल्ड करंट है, ये वार्म करंट है, यहाँ पे लैब्राडोर करंट फॉर्म होता है अमेरिका का, जहाँ पे बहुत अच्छा फिशिंग पॉइंट बनता है। ठीक है तो मुझे गलत है इसमें, यहाँ क्या बताया मैंने कल आपको? मैंने कहा था कि यहाँ से जाएगी गल्फ स्ट्रीम, इसके अंदर से जाएगी जैसे कि ऐसे करके जाएगी है ना, और ऊपर से आएगी लैब्राडोर का, तो यहाँ पे आपका फिशिंग पॉइंट है। इसी प्रकार से जापान कोस्ट पे देखते हैं, ओशिवो और क्योशिवो। ठीक है अच्छा, कामचटका पेनिनसुला कौन सा है इसमें? कामचटका पेनिनसुला को बता दो कुछ, कामचटका पेनिनसुला को बता दो कुछ। सखालिन, सखालिन जो है गैस के रशिया के जो है, कुछ आइडिया नहीं है? ठीक है ये बताया था, बेरिंग स्टेट ये भी, ये भी स्टेट। ठीक है चलो पहुंचो आप, है ना? और क्या पूछा था, और क्या था मैंने आपको लोकेशंस पे? एक बताया था आपको यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे कौन सी वो है? नहीं मलक्का तो है, यहाँ पे एक वो है ना इस्तमस, इस्तमस से बनी हुई, मैंने कहा था घाटी के सुकट पे बात चल रही है। चलो वापस आते हैं एनसीईआरटी पे। आगे एक माउंट मोनाकिया हवाई में है पैसिफिक ओशन में, अंडरसी माउंटेन है, हायर देन माउंट एवरेस्ट 10205 मीटर्स हाई। ठीक,
तो ये सीधा एग्जाम में आ जाएगा कि मोनाको कहाँ पे हवाई में है ना, क्या लोकेशन। अब आते हैं थ्री टाइप ऑफ माउंटेन्स, फोल्ड, ब्लॉक और वॉल्केनिक, ये थ्री टाइप हो गया। फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल हो गया हिमालय, एल्प्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स विद रफ रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक्स, ठीक। अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम, मतलब फॉर्मेशन प्रोसेस एक ही है बट जब उसके अंदर अपलिफ्टमेंट हो गया है और इरोजन का रेट तेज हो जाए तो वो हो गया ओल्ड, और जहां पे अपलिफ्टमेंट तेज हो रहा है इरोजन धीमा है तो वहां पे हो गया यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक। द रेंज हैज कंसिडरेबली वर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन, क्लियर, ठीक। द एप्लेशन इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल माउंटेन रशिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन, दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। अब अपने एटलस में हमको ये दो देखने हैं, कौन कौन से, एक देखना है हमको एप्लेशियन और दूसरा देखना है हमको यूराल माउंटेन। फिर वापस स्विच करते हैं अपन मैप पर, मैप पे हम बात करें इन दोनों माउंटेन्स की, तो ये हो गया आपका यहाँ पे यूराल है ना, और यहां पे आपको मिलेगा एप्लेशियन, ठीक है। तो ये यूराल हुआ, ये एप्लेशियन हो गया, ये एंडीज हो गया, ये एटलस हो गया, ये आपका एल्स हो गया, ठीक है। और कौन सा है इधर साउथ अमेरिका, कौन सा है साउथ अमेरिका में, कुछ साउथ सॉरी साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका में कुछ है कुछ माउंटेन, ठीक। एक इधर हो गया ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एक साथ ही रख लेते हैं अपन ताकि आइडिया रहे कहाँ पे क्या है मेन मेन, ठीक। रॉकीज हो गया यहाँ पे इस टाइप से, क्लियर है ना। हिमालय हो गया, ठीक है। ओल्ड माउंटेन कौन कौन से हो गए डायग्राम का थ्रू, मैं आंसर दे थ्रू आपके यूराल और एप्लेशियन, ठीक। ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन ने कहा था कि ये भी इंटरनल प्रोसेस से बनता है जब दो प्लेट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मिलती है और एक हिस्सा जो है वो ऊपर जाएगा दो से नीचे आ जाएगा, तो जो नीचे आएंगे उनको बोलेंगे रेवन और जो ऊपर रचेगा उसको होस्ट, ठीक। द अपर ब्लॉक को बोलेंगे होस्ट और जो नीचे आ गया उसके रेवन। द राइन वैली एंड द वॉशर माउंटेन्स इन द यूरोप आर एग्जाम्पल सच माउंटेन सिस्टम, क्लियर। राइन वैली वगैरह जो है एग्जाम्पल, तो वो हम पढ़ेंगे भी ज्योग्राफी और आगे कि वहां पर इसी प्रकार से पास में वैली है और साथ में बगल में आपका उठा हुआ माउंटेन है, फोरेस माउंटेन हो गया, राइन वैली हो गई, तो जैसा दशा ग्रेबैन वो नीचे चला गया, वैली टाइप का हो गया, ठीक। और जो ऊपर रह गया वो माउंटेन हो गया, तो वैली और माउंटेन की मौजूदगी एक दूसरे पास होगी, यू सच एग्जाम माउंटेन स्टॉप, ठीक। चलिए वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक, ये तीसरे प्रकार का माउंटेन है, ठीक। ये किसमें आएगा, इंटरनल या एक्सटर्नल, ये क्या है वॉल्केनिक, क्या क्या पढ़ा हुआ, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल अर्थ के अंदर हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, बीच की लेयर में मैग्मा भरा हुआ है, ये जो मैग्मा है जब ये बाहर निकलेगा तो इसके कारण आपका फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से माउंटेन का, ठीक। लेयर ओवर लेयर बिस्ते जाएंगे और इस तरह से वॉल्केनिक माउंटेन बनेंगे आप। वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनेंगे माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा जापान आर एग्जाम्पल सच माउंटेन्स, ठीक। वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या है, वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या है इसमें, कि अर्थ के अंदर जो नीचे मैग्मा भरा हुआ है वो मैग्मा चैम्बर्स रिलीज होगा ऊपर की तरफ आएगा और उसके आने से धीमे धीमे इस तरह से वो दोनों तरफ लेयर धीरे धीरे का फॉर्मेशन माउंटेन फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, ठीक।
अब आते हैं माउंटेन से उसको, माउंटेन वाटर रुको सी बात है, दुनिया के जो बड़े माउंटेन ग्लेशियर जमे हुए हैं वो ग्लेशियर से रिवर्स निकलती हैं, और रिवर्स जो होती हैं वो नीचे के प्लेन के एरिया के लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर आदि की फैसिलिटीज देती है, तो स्टोर हाउस ऑफ वाटर ठीक। रिजर्वायर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल्स, वाटर फॉर द माउंटेन आर यूज फॉर इरीगेशन, से बात है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि बहुत ऊपर से हाइट से आ रहा है पानी, हाइट से आ रहा है पानी तो उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर सकते हैं ठीक। वाटर फ्रॉम द माउंटेन आर यूज फॉर इरीगेशन, द रिवर वैली एंड द टेरेस आर आइडियल फॉर द कल्टिवेशन क्रॉप्स ठीक। माउंटेन हैव रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा फौना, द फॉरेस्ट प्रोवाइड देयर फ्यूल फॉडर शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक, ये सब चीज है, बाकी तो सिंपल सिंपल चीजें को देख, नई चीज नहीं है टू दिन के लिए। तो ये कंप्लीट आपका टॉपिक इसका माउंटेन वाले का हो गया ठीक है। थोड़ा सा वॉल के लिए माउंटेन कुछ चीज देख लेते हैं, ये हो गया आपका मैग्मा चैम्बर, यहां से मैग्मा रिलीज हुआ और ये बाहर आया, बाहर आके ये बिछ गया, लावा बॉम्ब्स वगैरह लिखे हैं, वॉल्केनिक कोन इस तरह से डिफरेंट वॉल्केनिक कोन, ऐश एंड लावा ठीक क्लियर। जब ये बाहर निकलेगा, बाहर आके बिछ जाएगा तो लेयर ओवर लेयरिंग इसमें बन जाएगी, हमारे डिटेल में भी अभी क्लास में, बट ये एक आइडिया दे दिया, अभी इसमें कंप्लीट नहीं है कौन क्या है कैसे बने कंपोजिट कौन क्या, वो एक अलग टॉपिक है इसमें, बट तीन तरह के फॉर्मेशन माउंटेन बिल्डिंग के होते हैं, यहां तक ठीक है। प्लेटो, ये भी एक टाइप ऑफ लैंडफॉर्म है, मैंने कहा था कि फ्लैट टॉप टेबल लैंड को बोलते हैं, आप अपने सामने एरिया को फ्लैट ठीक, वन और मोर साइड स्टीप स्लोप्स, इसका एक और दूसरा एक से अधिक किनारे स्टीप स्लोप भी होते हैं, बट यहाँ पे मेन चीज जो है कि ये आसपास के इलाके से क्या है ऊंचा हटा हुआ है ठीक। ये ठीक प्लेटू लाइक माउंटेन्स में भी यंग और ओल्ड, द डेकन प्लेटू ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट प्लेटू, और जो ओल्डेस्ट प्लेटू होते हैं हमें पता है उसके अंदर काफी सारे मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। The eastern opening of plateau in Kenya, Tanzania, Uganda, and the western plateau of Australia are other examples. अब आपको एटलस पे एक देखना है eastern African plateau. ठीक? Kenya, Tanzania, Uganda के क्या पड़ेगा? ये सीधा एग्जाम में आएगा. और दूसरा आपको देखना है western plateau. ठीक? ये कहाँ है? Of Australia. ये दोनों की लोकेशन लिखनी है. ठीक है? Tibetan plateau. हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड है, लगभग 4 मीटर 4-6 मीटर की ऊंचाई पे है सी लेवल से, बट है फ्लैट इस टाइप से ठीक। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप के प्लेटूस, और प्लेटू का जो यूज है वो है आपका मिनरल डिपॉजिट्स, इसलिए आमतौर पर इन इलाकों में माइनिंग एरियाज माइनिंग होती है ना। कई प्रकार के वर्ल्ड के जो फेमस गोल्ड है डायमंड है वो मिलते हैं अफ्रीका प्लेटो में, इंडिया में कोल आयरन मैग्नीस छोटे नाकू प्लेटो मिलते हैं, प्लेटो जो होते हैं यहाँ से कई बार नीचे पानी नदी गिरती है तो उससे कारण बनते हैं आपके वाटरफॉल्स, हुंडू फॉल इन द छोटे नाकू प्लेटो, किस नदी पे स्वर्ण रेखा पे है ये आपको एक्टिव देखना है, जॉक फॉल कर्नाटक में है, ये सब प्लेटू से जो वाटरफॉल बनते हैं उसका एग्जाम्पल है ठीक। क्लियर, कुछ प्लेटू ऐसे हैं जो लावा के डिपोजिशन बनते हैं, जैसे अपना डेकन प्लेटू, वो ब्लैक्सर होती है जो कि कॉटन आदि के लिए आइडियल होती है। तो कुछ ये हो गया आपका प्लेटू के बारे में, मेनली माउंटेन में ही काफी कुछ था डिस्कशन, प्लेटू के बारे में बस हल्का फुल्का चीज, और फ्लैटलैंड टेबल लैंड जो आइडिया था वो होना चाहिए, और मेनली इसका जो यूज है वो है मिनरल्स के लिए ठीक है। चलिए अब इसको आप नहीं छोड़ देते हैं, इसके आगे टॉपिक कल अपन लेंगे आगे, इसमें प्लेन्स और नेक्स्ट चैप्टर भी कल ही खत्म कर देंगे इसका लग गया ठीक है। धन्यवाद।
ये